राजस्थान के भरतपुर में विदाई के वक्त दहेज मांगने का मामला सामने आया है। दरअसल दो चचेरी बहनों की शादी दो सगे भाइयों के साथ हुई। विदाई के वक्त सुबह दुल्हे पक्ष के लोगों ने दहेज की डिमांड कर दी। दहेज न मिलने पर बारात बिना दुल्हन विदा कराए ही वापस लौट गई। मामला बयाना थाना के चकंदरा गांव का है, जहां के निवासी दो चचेरी बहन सुषमा भारती और राजकुमारी की शादी बीती रात संपन्न हुई थी। सुबह दोनों दुल्हनों की विदाई होनी थी, मगर विदाई के समय दूल्हे के परिजनों ने 2.5 लाख रुपए और मोटरसाइकिल दहेज में देने की मांग की। दुल्हनों के माता पिता ने उनकी मांग पूरी नहीं की। इसके बाद दोनों दूल्हे विदाई के समय सजी धजी दोनों दुल्हनों को छोड़कर चले गए। इस घटना के बाद दोनों दुल्हन अपने परिजनों के साथ बयाना थाने पहुंची। दहेज के लोभी दुल्हों के परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी रामपुरा निवासी गौरव और पवन के साथ हुई थी। बीती रात दोनों दूल्हे बारात लेकर आए थे। रात में शादी हो गई थी और सात फेरे भी पड़ गए थे। शादी संपन्न होने के बाद आज सुबह जब दोनों दुल्हनों की विदाई होने वाली थी, तभी दूल्हे के परिजन दहेज की मांग के लिए अड़ गए। अब दहेज की मांग पूरी नहीं की तो सजी धजी दुल्हनों को छोड़कर दोनों दूल्हे बारात को लेकर वापस लौट गए। फिलहाल पुलिस ने शिकायत ले ली है और जांच की जा रही है।